हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सोमी और आज है संडे और आज मैं एक डेली व्लॉग शूट करूँगी, वो भी मॉर्निंग से। और अभी अभी मैं नींद से जागी हूँ, आज थोड़ा सा लेट हो गया है बिकॉज अभी टाइम हो गया है 9। तो क्या है कि पूजा चल रहा था तो पूजा के टाइम बहुत देर तक हम लोग रात में जगे हैं, इसके वजह से बहुत लेट करके सोए और सुबह सुबह पूजा था तो उठना भी पड़ा था, तो बहुत ज़्यादा टायर्ड थे हम। तो मैं और सौरभ दोनों ही आज सो गए थे और अभी थोड़ा मतलब काफ़ी फ्रेश लग रहा है। तो बहुत दिनों से मैंने डेली व्लॉग शूट नहीं किया है, दशमी के दिन मैं एक डेली व्लॉग शूट की हूँ बट वो फेस्टिव ओरिएंटेड ही हो गया था बिकॉज़ उस दिन सिंदूर खेला जो बंगाली का रिचुअल्स है वो मैंने शूट किया है, तो वो एकदम भी मतलब डेली लाइफ का शूट नहीं हुआ था। तो आज मैं फ्री हूँ तो सोचा कि आज मैं क्या क्या करूँगी कोलकाता में वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई गेस ये वाला व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा और ये रिक्वेस्टेड वीडियो भी है, बहुत सारे फ्रेंड ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया है कि कुछ कुछ चीज़ दिखाने के लिए भी, वो भी मैं आज ये डेली व्लॉग में ऐड करूँगी। तो आई गेस आपको अच्छा लगेगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और फर्स्टली मैं जो बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर एंड लाइक ज़रूर करना। तो आज का दिन मैं कैसे करके स्पेंड करूँगी वो मैं दिखाऊँगी। तो अभी क्या करना है कि मुझे फ्रेश होना है तो मैं नहाने जाऊंगी और उसके बाद निकल के मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी और क्या क्या करूंगी वो दिखाऊंगी। अभी टाइम हो गया है 12:30, मैं ऊपर आ गई हूँ, मतलब ये जो है ये मेरा सेकंड फ्लोर पे है मेरा रूम। तो इधर मुझे अभी कुछ काम करना है वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो नीचे गई थी तो ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मामूनी को थोड़ा सा हेल्प किया, मतलब मेरे मदर इन लॉ को थोड़ा सा हेल्प किया, उसके बाद मैं ऊपर आई, नहा लिया है। अभी मैं थोड़ा सा फ्री हूँ और मुझे अभी करना है मेरा रूम का क्लीनिंग। क्लीनिंग मतलब ये जो दुर्गा पूजा के टाइम हम लोग कपड़े पहनते हैं, मतलब एक ही दिन में 2-3 कपड़े चेंज करते हैं, तो वो सब करते करते पूरा एकदम गंदे हो गया है घर। देखिए मेरा जो ये छोटा वाला बेड है इसके ऊपर कितना सारा सामान है, उथल पुथल है पूरा। और जो स्पेशली ख़राब हुआ है वो है मेरा ड्रेसिंग टेबल, वो मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए इसका हालत अभी है ऐसा, मैं कुछ ढूंढ भी नहीं पा रही हूँ, अभी ऐसे हालत हो गया है। तो इसको भी मुझे क्लीन करना है, ये बिल्कुल गंदा है अभी। तो ये करूँगी। और आज मेरे सासू माँ ने मुझे एक टिप्स के साथ एक रेसिपी सिखाया है, वो मेरे मदर इन लॉ ने मुझे बोला था और मैं खुद किया है, वो भी मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या रेसिपी है और कैसे उसको बनाते हैं। और ये सबको सबका फेवरेट भी है, वो भी मैं दिखाऊँगी। तो फर्स्टली जो मैं करूँगी काम वो है ये घर को साफ़ करना है। और ये देखिए मेरा बेड भी पूरा एकदम उथल पुथल है, इसको भी साफ़ सुथरा करना है। तो ये पहले कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। है 1:30, तो 12:30 से मैं क्लीन करना चालू किया है और एक घंटा लगा पूरा साफ करने के लिए।
पहले जो किया ये बेड को मैंने पूरा क्लीन किया है और एक अच्छा सा बेड शीट मैंने इधर डाल दिया है और ये छोटा वाला जो बेड है इसको भी क्लीन कर लिया है और एक बेड कवर इसमें स्प्रेड किया है। और जो स्पेशली जो चीज़ सबसे गंदा था वो है ड्रेसिंग टेबल। तो अभी देखिए ड्रेसिंग टेबल का हालत मतलब काफ़ी सुधर गया है, अभी मुझे सब कुछ आराम से मिल जाएगा आई गेस। तो यही था, तो ये करते करते देख ही सकते हो कि 1:30 हो गया है। अभी मुझे नीचे जाना है क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला कि एक चीज़ मैं सासू माँ से सीख रही हूँ वो मुझे अभी बनाना है, तो वही मैं बनाऊँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी और लंच करूँगी। तो लंच करने के बाद मैं ऊपर आऊँगी और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने इधर 100 ग्राम्स फिश एग लिया हूँ और ये रूह फिश का एग है। इसको पहले हम ल्यूकम वाटर से अच्छे से धो लेंगे। बॉइलिंग वाटर डाल देंगे और कुछ देर के लिए भिगो के रखेंगे। याद रखना कि ये वाटर एकदम बॉइलिंग टेम्परेचर में हो। इसका रीज़न ये है कि बॉइलिंग वाटर से एक थोड़ा सा फूल जाएगा और पकौड़ा सॉफ्ट बनेगा। अराउंड 15 मिनट्स में ये एक्स्ट्रा पानी को ड्रेन कर दूंगी और ये अभी रेडी है बैटर बनाने के लिए। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि मेरे सासू माँ से मैं एक चीज़ सीख रही हूँ, वही मैं अभी बनाऊंगी। तो वो है माछे डिमेर बोरा, बंगाली में इसको बोलते हैं। फिश का जो एग होता है उसके साथ एक फ्राई करके उसको खाते हैं हम लोग बंगाली लोग, तो उसका मतलब दीवाना है, बहुत ही अच्छा लगता है गरम राइस के साथ वो खाने में। तो वही मैं सीख रही हूँ कैसे उसको सॉफ्ट बनाते हैं, वही मेरे सासू मैं मुझे बोल रहे हैं, उसी के हिसाब से मैं सीख भी रही हूँ और मैं खुद बना भी रही हूँ, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं और इसको जो आधा प्रिपरेशन और बाकी है वो कंप्लीट कर लेते हैं और जो होगा मतलब फिनिशिंग जो आएगा वही मैं दिखा दूँगी आपको। बैटर में हम मिक्स करेंगे चॉप्ड ऑनियन, ग्रीन चिलीज, बेसन एंड सम सॉल्ट टू टेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम मस्टर्ड ऑयल में डीप फ्राई करेंगे। The fish egg pakodas are now ready to be served.
अभी मैं रेडी हो गई हूँ। मैं और सौरभ जा रहे हैं बाहर और जा रहे हैं फुचका खाने, मतलब पानी पूरी खाने जा रहे हैं। ये सारा कुछ मैं एडिनबरा में बहुत ज़्यादा मिस करती थी, तो आज फ्री हूँ। और इधर बोरानगर में बहुत अच्छा एक फुचका वाला है, उधर से हम दोनों फुचका खाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा काम है वो सारा कुछ करके मैं वापस आऊँगी। और अभी टाइम हो गया है 6:30, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ ही टाइम के बाद ही मैं वापस आ जाऊँगी और फुचका खाने चलते हैं और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। दशमी तो परसों था मगर कुछ कुछ जगह पे आज भी विसर्जन हो रहा है एज इट इज संडे। ऐसे ही एक दुर्गा प्रतिमा हमें देखने को मिला। वापस आई हूँ और अभी टाइम हो गया है 9:30। मैं नीचे सबके साथ बात कर रही थी तो ये करते करते टाइम निकल गया। इधर कोलकाता में आने के बाद टाइम कैसे निकल जाता है कुछ समझ में नहीं आता है। एडिनबरा में होता था कि टाइम निकलने का नाम ही नहीं लेता था। हम लोग मतलब एक साल से वेट कर रहे थे कि कब हम लोग घर जाएंगे, और देखते ही देखते ऑलमोस्ट 15 डेज हो गया है कि कोलकाता आए हुए हैं और अभी जाने का टाइम भी हो गया है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करूँगी। मेरे एक फ्रेंड पोलू में आपने मुझे पूछा था कि मैं दशमी के दिन जो पेंडेंट पहनी थी वो मैं कहाँ से लिया था। तो क्या है कि मेरा वो गिफ्टेड चीज़ था, मैं चिक ज्वेलरी से एक कुंदन सेट लिया था, वो सेट मैं दिखाऊँगी। तो सेट ऐसे टाइप का है क्योंकि साड़ी के साथ ऐसे टाइप का ज्वेलरी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने चिक से ये कुंदन सेट लिया था और मुझे ये काफ़ी पसंद आया था, और चिक में 20% डिस्काउंट भी चल रहा था और इसका जो प्राइस है वो था 1700 और उसको 20% डिस्काउंट में मुझे मिला है, तो 1300 के आसपास इसका प्राइस पड़ा था। और इसके साथ मुझे ये वाला पेंडेंट गिफ्ट में मिला था क्योंकि ये दुर्गा पूजा के टाइम मिला है, तो इसीलिए ऐसे माँ दुर्गा का ये पेंडेंट है। तो ये सच में बहुत ही क्यूट एक पेंडेंट है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बट आई डोंट थिंक कि इस अगर आप चेक में जाओगे कि ये आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आई डोंट नो बिकॉज ये गिफ्टेड आइटम था। तो अगर पॉसिबल है तो आप एक बार जाके पूछ भी सकते हो उधर से कि ऐसे टाइप का पेंडेंट है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने जो मुझे एक पैक के अंदर दिया था उसमें इसका प्राइस लिखा हुआ था 99 रुपीज़। तो आई गेस आपको अगर आप बोलोगे तो ऐसे टाइप का पेंडेंट भी आपको मिल जाएगा चीक में। तो सच में ये बहुत ही अच्छा एक पेंडेंट है। तो यही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आप लोगों को ये वाला सेट और ये पेंडेंट अच्छा लगा तो आप चीक में जाके पूछ सकते हो और देख भी सकते हो। मुझे चीक बहुत अच्छा लगता है, मैं उधर से मैं बहुत सारे ज्वेलरी और भी खरीदी हूँ। मैं अगर टाइम मिला तो मुझे मैं वो चीज़ भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो यही था मेरा आज का दिन, मैं ये व्लॉग को अभी इधर एंड करूँगी। और मेरे सासू माँ के पास बहुत सारा अच्छा अच्छा रेसिपी है जो कि मैं धीरे धीरे
आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज मैंने एक टिप्स आप लोगों को दिया है कैसे करके वो जो माछे डीमेट बोरा कैसे करके सॉफ्ट बनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स मामूनी के पास है, तो मैंने मामूनी को बोल के रखा है कि थोड़ा थोड़ा करके मैं शेयर करूँगी। तो आई गेस ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर करना। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो पे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।